नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी सामाजिक विषय की इस कक्षा में आरंभिक समाज नामक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम सोनाक्षी के प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आदि मानव के आगमन और उसके निवास स्थान का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पाषाणकालीन औजारों तथा उस समय के वस्त्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, एक दिन सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ भी बहुत थी। तभी सोनाक्षी ने झूला देखा और झूले में बैठने की ठान ली और वह झूले में बैठ भी गई। जब वह झूले के ऊंचाई पर पहुंची तो उसे चारों ओर बहुत अधिक मकान, गाड़ियां तथा लोग दिखाई दिए। तब उसके दिमाग में एक प्रश्न आया। प्रश्न ये था कि क्या ये सब हमेशा ऐसे ही था? क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे? जब वह नीचे आई तो उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? तब दादाजी ने जवाब दिया, बेटा। अब दादाजी ने क्या जवाब दिया होगा? चलिए, दादाजी ने जो उसे आगे बताया उसको हम देखते हैं। उसके दादाजी ने कहा कि जब मनुष्य पहली बार धरती पर आया तो उस समय उसका अपना कोई समाज या कोई सगा संबंधी नहीं था। वह जंगली जानवरों की तरह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। उस समय का मानव अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल फलों को इकट्ठा करके उन्हें खाया करता था। यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पेड़ पौधों से भोजन जुटाने में यह ध्यान रखना होता था कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा विषैला फल है। इसके अलावा खतरनाक जानवरों के शिकार करते वक्त या फिर मछली इत्यादि पकड़ते वक्त उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। इन लोगों को आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि ये लोग जिस जगह रहते थे वहां के फल और जानवरों को मार कर ये लोग समाप्त कर देते थे। फिर ये अपने उस जगह को त्याग कर किसी दूसरी तरफ को चले जाते थे। इसका एक कारण यह भी था कि मौसम बदलने से जब पानी सूख जाता था तो ये लोग नई जगहों को खोजने लगते थे। उस समय जंगलों में बहुत खतरनाक या जानलेवा जानवर भी हुआ करते थे तथा कड़ी धूप और बारिश भी ज्यादा होती थी। इन सब से बचने के लिए ये लोग गुफाओं और कंदराओं में रहने लगे थे। पानी आसानी से मिलने के कारण इनका निवास झीलों तथा नदियों की तरफ भी होने लगा था। जहां ये लोग रहते थे वहां से कई औजारों के अवशेष भी मिले। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपने निवास स्थानों में ही औजारों का निर्माण किया करते थे। इन्हें हम उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। इस समय के औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। कुछ औजार लकड़ियों या फिर पत्थरों के बनाए जाते थे तथा कुछ औजारों को बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय के लोगों का पहनावा भी काफी अलग था। जानवरों को मारकर एक ओर तो वे अपनी भूख मिटाते थे और वहीं दूसरी तरफ उनकी खाल से वस्त्र बनाकर उन्हें पहनते थे। इसके अलावा पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से भी ये लोग अपने तन को ढकते थे। बच्चों, इस तरह सोनाक्षी के दादा सोनाक्षी को मनुष्य के आरंभिक काल के बारे में बताते रहे। उनके द्वारा बताई गई
बाकी बातों को हम अगली वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सोनाक्षी के प्रश्न से शुरू करके आदि मानव के आगमन और उसके निवास स्थान के बारे में सीखा, उसने कैसे औजारों का निर्माण किया और वह क्या क्या वस्त्रों को पहनता था इसके बारे में हमने जाना। अगली वीडियो में हम उन स्रोतों के बारे में पता करेंगे जिनसे हमें आदि मानव के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ आपकी खोज कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही शैल चित्रकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।